आई तो ससुर जी मेरे साथ डेली मारपीट करने लगे। आपके ससुर डेली मारपीट डेली टॉर्चर करने लगे ताकि ये भाग जाए, और बाहर वाली टॉर्चर करने लगे, मुसलमान जो अपने पत्नी को आप डाइवोर्स दीजिए नहीं तो आपको सैलरी नहीं देंगे। वो कुछ दिन सैलरी देना बंद कर दी, तब मेरे ससुर मुझे मार के मेरा कपड़ा फाड़े और बहुत मार मारिया, घर से मेरा छोटा बच्चा के साथ निकाल दिए। तब मैं मायके आई, वह चुन्नू मिश्रा को लगा के मैं बुला के दिखाई कॉल करके कि देखिए मेरे साथ मेरे ससुर क्या हादसा किए हैं। वो चुन्नू मिश्रा आज मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात। सुनवा कि ससुर जी आपको गलत तरीके से देखते भी थे, घर में घुस जाते थे। हाँ ये सही है, और जब मैं ये बात पे विरोध करती तो सभी लोग मिल के मुझे बहुत मारते फिरते। वो बदतमीज किस्म के हैं, वो ऐसा नहीं कि गंदा हरकत किए हैं, ऐसा नहीं, टॉर्चर बहुत ज़्यादा किए हैं मुझे जी। अब आप समझ सकते हैं जो हमारे साथ जो महिला है, इनके पति जो है एक मुसलमान औरत से शादी कर लिए, और ब्राह्मण जाति के होने के बावजूद मुसलमान से शादी कर लिए और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और वहीं देखा जाए कि जब वो छोड़कर चले गए तो इनके ससुर जी जो है अपने पतों पर गंदी नज़र रखते हैं और इनको जो है कहीं ना कहीं जो है मारते हैं, पीटते हैं और गंदी नज़र भी देखते हैं। एक बात सही है जी, बिल्कुल सही है। जब वो मार के मेरा कपड़ा फाड़े थे मेरे ससुर जी, आपके ससुर जी ने आपका कपड़ा फाड़ा जी, मेरे समीज मार के वो फाड़ दिए थे मेरे ससुर, बाल पकड़ पकड़ बहुत मार मारे थे। तब मैं सरपंच साहब को बुला के दिखाई तो वो डांट समझा के वापस चले गए। हाँ। फिर भी मेरे ससुर जी नहीं माने, मार पीट के घर से भगा दिए। तो आपके ससुर क्यों मार पीट थे? उनको तो रखना चाहिए था, आप उनके लिए बेटी हैं जी। यही ना बात है, पति अगर गलत हो गया, अगर सास ससुर ननद ये लोग सही होते तो आज मैं कहीं ना कहीं जैसे 10 साल मैं कंटिन्यू 10 साल उस ससुराल में दुल्हन बन कर रही हूँ। लोग काफ़ी टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद भी एक ही उम्मीद था कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे जो हैं बड़े हो जाएंगे और मेरे पति सुधर जाएंगे। नहीं तो ससुर जी आपको क्यों मारते पीटते? तो उनको तो आपको बेटी की तरह रखना चाहिए था, आप उस घर की इज्जत थी, आप उस घर की लक्ष्मी हैं। क्योंकि ससुर जी जो है ना, उनका बेटा किसी का अगर जान मार के आ जाएगा ना तो अभी वो बोलेंगे मेरा बेटा सरवन है। ससुर जी सबसे ज़्यादा उस घर में अगर कोई गलत है तो मेरे ससुर परशुराम मिश्रा हैं। वो ससुर से हम जाके बोले कि आपका बेटा बाहर में शादी कर लिया, आप डांटिए समझाई, तो ससुर जी का लाइन है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा, तुमको क्या, तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी है। ये क्या तरीका है, ऐसे ऐसे बदतमीजी हूँ मेरे से। मतलब आपके ससुर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी हूँ, आखिर वो क्यों कह रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके प्रति उनका गंदा नज़र होगा। हाँ बदतमीज हैं वो ससुर जी, पूरा रिलेटिव और ससुर सास सब लोग उनका पति का सपोर्ट करते हैं। वो लोग बोलता है कि मेरा बेटा वहीं ना है, एक ही ना मेरा बेटा है, वो कुछ भी करे तो बेटा वहीं है, और बहू कहाँ जाएगी? बहू को न्याय नहीं मिलना चाहिए, बहू का 3 बच्चा है, वो बेचारी कहाँ भाग जाए, कहाँ चल जाए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, हम सबसे मतलब जितना भी लोग देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन तक अगर हमारी वीडियो पहुंच रही है तो हम सबसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, वो लोग को सजा मिलना चाहिए। सही बात है। अब देख सकते हैं ये वही औरत है जिनके पति जी छोड़कर किसी और मुसलमान से शादी कर लेते हैं और इनके ससुर जी इनको मारते पीटते हैं, तब जबकि इनको घर पर रखना चाहिए था, ये उस घर की लक्ष्मी थी, उस घर की इज्जत थी, लेकिन उस घर की इज्जत को मार पीट के भगा दिया जाता है और ससुर जी इनके कपड़ा भी फाड़ देते हैं। जी जी, मार के कपड़ा फाड़। बेटी जो बेटी समान पतो होती है उस बेटी की इज्जत पर कहीं ना कहीं हाथ डाला जाता है। अभी कलयुग में समझ जाइए कि इस कलयुग में कैसा ससुर हो रहा है जो अपनी पतों को बेटी की तरह रखना चाहिए लेकिन वो अपने पतों को मारता है, पीटता है, गलत नज़रे से देखता है और कपड़ा भी फाड़ देता है। ये ऐसा कलयुग आ गया जिस कलयुग में ससुर को शर्म आना चाहिए उस इंसान को जो अपने लड़की को, अपनी बेटी को रखना चाहिए था लेकिन गलत नज़रे से देख रहा है और समाज भी साथ में नहीं दे रहा है। अगर मेरे ससुर सास सब लोग अगर सही होते तो आज मैं ससुराल में होती। बताइए, आपको रोना नहीं है, आपको न्याय मिलेगा और इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि आप जहां भी अपनी लड़की की शादी करते हैं तो एक बार जांच पड़ताल जरूर कीजिए, उस समाज का, उस परिवार का, उस माता पिता का, उस सास ससुर का, उस पति का भी, कि जिस पति और जिस समाज ने ऐसा काम करता है। आप न्याय में क्या चाहती है ये बताइए। अब न्याय में अब हम यही चाहते हैं, हम हर वो कोशिश किए हैं कि मेरे पति दूसरी तीसरी शादी कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मुझे अच्छा से रखे, लेकिन कोई अच्छा से नहीं रखा। तो अब लास्ट पोजीशन यही है कि मेरे बच्चों का अधिकार चाहिए, मुझे न्याय चाहिए जी। मतलब आपके पति दूसरा तीसरा शादी कर रहे हैं, इससे आपत्ति नहीं है आपको? मुझे इसलिए आपत्ति नहीं था, पहले नहीं था, अब है। क्योंकि मैं हर कोशिश कर रही थी ताकि मेरा परिवार नहीं बिखरे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन आपके पति तो अब छोड़ दिए? नहीं, लेकिन ऐसा मेरा सोच गलत था, मैं ऐसा जो सोची वो नहीं हुआ। मेरे पति अब चाह रहे हैं कि इसको डाइवोर्स दें, क्योंकि जो मुसलमान है ना बाहर वाली, उसका कहना है कि जब अपनी पत्नी का आप डाइवोर्स नहीं दीजिएगा तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे। लेकिन अभी तो आपके पति आपको छोड़ दिए हैं जी, घर साथ में नहीं रह रहे हैं, भगा दिए हैं, अब आप रो रही हैं, तो कैसे न्याय मिलेगा, कैसे लड़िएगा?
समाज में कैसे लड़िएगा? जितना भी पुलिस प्रशासन देख रहे हैं सब लोग से हम विनती करेंगे कि वो लोग हमारा सपोर्ट करें और जाके बाहर में शादी बिना बताए मेरे से किए हैं, तो मुझे हमको न्याय दिलाएं, वो लोग मेरा सपोर्ट करें। जी, सपोर्ट जी। करें, आपको न्याय मिलना चाहिए। जी न्याय, अब देख सकते हैं ये महिला न्याय के लिए लड़ रही है, अभी रो रही है और ये चाहती है कि इनके पति ने जो इनका हक छीना वो हक इनको मिले, इनके पति ने इनको छोड़कर किसी और महिला के साथ रहा है उस चीज़ पर हक मिले। और ये कानून में लिखा भी गया कि एक पति पहली पत्नी के जिंदा होने के बावजूद जो है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सवाल है कि वो अपनी पत्नी के होने के बावजूद जो है वो तीसरा शादी कैसे कर सकते हैं, इस पर कानून जरूर नकेल कसे और ऐसे लोगों को पकड़ के कटघरे में खड़ा किया जाए जो अपनी पत्नी के होने के बावजूद भी है किसी और से शादी कर रहा है। सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल, जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना नहीं, उनको सजा होना चाहिए। वो बहुत सारे घर बर्बाद किए हैं वो। हाँ। वो देखिए मेरा जीवन बर्बाद किए, पहली पत्नी चंद्रप्रभा देवी का जीवन बर्बाद किए, उससे बच्चा नहीं करके इलो होने नहीं दिया, उसको डाइवोर्स दे दिया, तब मेरे से शादी करके मेरा भी जीवन खराब कर दिए। बाहर में मुसलमान जो औरत है उसका भी बच्चा पति है, उसका भी जीवन खराब कर दिए। कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो धंधा, मतलब देखिए वो धंधा कर रहे हैं, उनके मेरे ससुर जी हैं, मेरे पति का पिता और मेरे पति, मेरे ननद और नंदो, ये चार लोग मिलके ये लोग धंधा कर रहे हैं, ये शादी करके छोड़ रहे हैं, बच्चा कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ये लोग एक धंधा बनाए हुए हैं। जी, मेरे पति का ये कहना है कि अगर कोर्ट से आदेश आ रहा है कि तीन बच्चा को छोड़ दीजिए तो हम तीनों बच्चा को भी छोड़ देंगे, लेकिन मुसलमान औरत को नहीं छोड़ सकते। तब मुझे अगर पति का यही इच्छा तो हम अपना बच्चा अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमको तीनों बच्चा मिले, हमारा अधिकार मिले, वो जहाँ मर्जी जितना शादी करना है वो करें। जी, आपको उससे मतलब नहीं, हमको हमारा बच्चा चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमको न्याय चाहिए। कुछ कुछ मदद करता, लेकिन मेरे पति उसके साथ जाके रंग रलिया मनाते रोज, मैं थक गई 10 दिन वहाँ रही, मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे और मेरे बच्चे को गांव ले चलिए, आप भी चलिए। मेरे पति कहा कि ये तीन बच्चा को उठाए और मुझे लाके पटना स्टेशन पर अकेले छोड़ के फिर वापस चले गए। मुसलमान औरत है वो, 18 साल का उसका बच्चा है, एक और छोटा सा है, वो अपना पति अपना बच्चा छोड़ के मेरे पति से शादी की और मेरे पति जो हैं पैसों के लालच में उससे फंसे हैं, वो पैसा कमाते नहीं थी, मुझे बाँझ बनाया गया है। जी, उनको मेरी छोटी ननद रेणु, मेरे ससुर जी और मेरे पति और मेरी सास, ये लोग मिल के उसको बाँझ बनाए, वो लोग बच्चा नहीं होने दिया उसको, इसलिए सारा ड्रामा कर दिया कि भाग गई, किसी और के पड़ोसी के साथ भाग गई, इसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई। तो उसके बिहान भैया हमारे पूरा घर वाला सारा लोग थाना में पहुँचे अप्लीकेशन देने के लिए कि बाहर शादी किए हैं, तो ये पैर पकड़ लिया, निहोरा विनती करने लगे पंचायत। मैं पति के मोबाइल से उस औरत का नंबर निकाले, उसको बहुत गाली दी, गंदी गंदी जब उसको गाली दी, तो मेरे पति के साथ जो शादी करी मंदिर में वो फोटो हर एक डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड करी, बोली कि संध्या अजय कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे शादी करी हूँ, गाली क्यों दे रही हो? मैं बोली कि तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मुझे मतलब नहीं है। बोली कि आप मेरे पति को छोड़ दो, तो बोली कि तुम छोड़ दो, हम क्यों छोड़े, तुम्हारा पति मेरे पास आया है। एक ब्राह्मण पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर मुसलमान लड़की से जो शादी कर लिया। हमारे साथ एक खूबसूरत औरत है, इनके पति ने इतनी खूबसूरत अपनी पत्नी को छोड़कर एक मुसलमान लड़की से शादी कर लिया, वो भी 2-3 बच्चे की माँ। सही बात है, 2 बच्चों की माँ है, एक मुझे बताती है, लेकिन कहीं और से मुझे पता चला है कि नहीं, एक और उसका बच्चा है। एक और बच्चा, मतलब वो जो मुस्लिम लड़की है उसके 2 बच्चे हैं। जी, जी। और उस मुस्लिम लड़की से जो है आपके पति ने शादी कर लिया। मेरे पति लेके तीसरा शादी कर चुके हैं। तीसरा शादी जी कर चुका है। अब ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण है आप। जी, अब आप समझ सकते हैं, जाति के ब्राह्मण होने के बावजूद भी इनके पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर अपने शौक पूरे करने के लिए तीसरी शादी जो है एक मुस्लिम औरत से कर लिया, वो भी तब जबकि उसके 2 बच्चे पहले से थे। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि वो आपको छोड़कर मुसलमान लड़की से शादी कर लिए, ये भी ब्राह्मण होने के बावजूद भी? देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना, चरित्र का खराब शुरू से है, चरित्र के खराब शुरू से है। हाँ। वो सबसे पहले उनकी शादी हुई। अब आप समझ सकते हैं, बाकी हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनको हक जरूर मिलना चाहिए, इनके पास बच्चे हैं और इनका जो हक है पति से जो भी हक मिलता है, चाहे वो डिवोर्स होने के बावजूद हो या उससे पहले हो, जरूर मिलना चाहिए। बाकी हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कहीं भी अगर शादी करते हैं तो एक बार जाँच पड़ताल जरूर कीजिए। बाकी आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। जय हिंद।